नहीं नहीं सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस प्रोटेस्ट के हवाले से पहले बताइए। देखिए सवाल यह है कि पहली बात यह है कि सस्पेंड कोई नहीं हुआ है। जिन 49 टीचर्स की हम बात कर रहे हैं वो 149 टीचर्स की बात हम कर रहे हैं वो आरईटीज अपॉइंट हुए थे, उसके बाद वो 5 साल के बाद रेगुलराइज हुए, उसके बाद उनको ट्रांजिशन आर्डर 2019 में लेना था, वो ट्रांजिशन आर्डर्स नहीं हुए और नामालूम वजूहत की बिना पर उनकी तनख्वाहें रोकी गई। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की लेटर जो मैंने आपको दिखाई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि इनकी तनख्वाहें वागुजार की जाए क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। उन्होंने हर एक ड्यूटी जो उनको असाइन की गई है उनको उनने परफॉर्म किया है और उसके बाद कोर्ट का भी आर्डर है, इसके बाद भी तनख्वाहें रुकी जिसकी वजह से आपने कुलगाम का हादसा देखा, वहां पर एक 24 साल के नौजवान बच्चे ने इस बुनियाद पर अपनी जान दे दी कि मेरे बाप को 2.5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है और हम तरस रहे हैं, नान ये रोटी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि जितने भी ये असाध्य क्राम है जो इन्होंने ड्यूटियां दी है इनके खिलाफ कोई एडवर्स नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है इनके खिलाफ एडवर्स नहीं है, सीआईडी महकमा कह रहा है इनके खिलाफ एडवर्स नहीं है, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है सारी की सारी इनको क्लियरेंस दे रही है, उसके बाद भी आपने तनख्वाहें रुकी और तनख्वाहें रोकने के लिए कोई माकूल आपके पास जवाज नहीं है, न ही कोई ऑर्डर आपका सेक्रेटरीट के पास है, न डायरेक्टरेट के पास है, न सीओज के पास है, न जडीओज के पास है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि नंबर एक इन असातिज़ा कराम के हक में ट्रांजिशन ऑर्डर जो है वो फिलफौर वागुजार किए जाएं और दूसरा 2.5 साल की जो इनकी सैलरी है उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर वागुजार किया जाए ताकि ये जो असातिज़ा कराम है ये भी अपनी जिंदगी ठीक ठाक से बसर कर सके और इनके बच्चे ये एक्सट्रीम कदम जो एक बच्चे ने उठाया वो इनके बच्चे भी उस कदम को उठाने के लिए मजबूर न हो जाए। थैंक यू।